नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। मैं पिछले 14 वर्षों से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज हमारे साथ हैं श्रीमान मुकेश जी। ये हमारे पास लगभग 10 से 12 दिन से आ रहे हैं न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए। ये आप देखेंगे, ये हमारे पास 12 तारीख से आ रहे हैं और आज 23 तारीख हो गई। 10 से 12 दिन लगभग इन्होंने हमारे पास ट्रीटमेंट लिया। इनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन थी, काफ़ी लंबे समय से इनका पेट अपसेट रहता था और पेट के आसपास बहुत ज़्यादा सख्त था, बहुत ज़्यादा पेन रहता था। नेवल अपसेट थी, इनकी नाभि चेक करते थे तो कभी यहाँ पर बोलती है, कभी यहाँ, कभी दाएँ। इनको जैसे नाप नले, इस तरह की शिकायत थी। बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी और इन्होंने कुछ टेस्ट कराए। हैं, क्या क्या टेस्ट कराए आपने? कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी इन्होंने कराई, जिसमें डॉक्टर ने इन्होंने इनको IBS जैसी दिक्कत बताई। और ये हमारे पास आए तो बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे, पता नहीं अब क्या होने वाला है, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। और ये देख रहे हैं आज इतने दुबले पतले हो गए हैं। ये बता रहे हैं कि इनका वजन इस दिक्कत से पहले 60 kg था, जो कि आज घटकर 45 kg हो गया है। और ये 10 से 12 दिन की सिटिंग में ये खुद बताएंगे कि आज ये अपने आप को कितना फिट महसूस करते हैं। जब आप हमारे पास आए तो आपको क्या दिक्कत थी और आज आप 10 से 12 सिटिंग के बाद क्या महसूस करते हैं? पहले जो है मुझे कॉन्स्टिपेशन होता था, भोजन जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता था सही से, खाना खाते के साथ ही आपको मोशन जाना पड़ता था। इस दिक्कत की एक बहुत बड़ी वह समस्या है कि खाना खाते ही मोशन जाते हैं। कभी इस बीमारी में लूज मोशन हो सकता है और कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और कॉन्स्टिपेशन ही मुझे ज्यादा, कॉन्स्टिपेशन आपको ज्यादा था, लेकिन अब इतना ट्रीटमेंट के बाद जो है काफी रिलीफ है, काफी रिलीफ है इनको, 60-70% तक रिलीफ है इनको। ऐसी समस्या में 10 से 12 सिटिंग के अंदर 60-70% रिलीफ है। और हम उम्मीद करते हैं, हमने इनको कहा कि आप चिंता ना करें, आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर आप 100% भी ठीक होंगे। मुझे आशा है मैं सही हो जाऊंगा। इनको आशा है ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये सब जगह से निराश होके सारे डॉक्टर सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद हमारे पास आए, है ना। बड़े बड़े डॉक्टरों को इन्होंने दिखाया, बड़े डॉक्टरों से इन्होंने सलाह ली और कुल मिला के निष्कर्ष यही निकला कि क्या निकला निष्कर्ष? निष्कर्ष यही निकला कि पेट के मामले में खास करके न्यूरोथेरेपी अच्छा ट्रीटमेंट है। जिनको परेशानी है वो इधर उधर ना भटक कर न्यूरोथेरेपी में इलाज करवाएं, कम ही दिन में अच्छा रिजल्ट मिलेगा और 100% मिलेगा, जड़ से खत्म हो सकता है। हाँ, तो देखा आपने मुकेश जी का कॉन्फिडेंस, 10-12 दिन के अंदर आज ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि दवाइयों से अच्छा है कि आप सीधा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लें। और जो इतने परेशानी, चाहे आपको नाप है, नले है, चाहे एंडोस्कोपी हो गई, कोई भी टेस्ट हुए और उसमें डॉक्टर ने चाहे आपको IBS कहा हो, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आ रहे हैं, इसी एज के हैं, 20 से 30 की एज में, जिनको IBS की शिकायत है। और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आए जिन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत निराश हो चुका हूँ। और हमारे पास जितने भी पेशेंट इस प्रकार के आए, आज सभी को फायदा है और वो ठीक प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो 15 से 20 दिन के अंदर हम आशा करते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और वो फिर अपना जो उनकी दैनिक दिनचर्या है उसको अच्छे प्रकार से वो अपना डेली का रूटीन कर पा रहे हैं। अगर आप भी पेट की किसी भी समस्या से परेशान हैं, चाहे आपको नाप है, चाहे आपको नले हैं, चाहे आपकी कौड़ी गिर गई है, चाहे आपको धरण पड़ गई है, बहुत सारे नामों से नाभि, ये केवल एक नेवल डिस्प्लेसमेंट है, नाभि का अपनी जगह से हट जाना, जिसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसमें डॉक्टर एंडोस्कोपी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, बहुत सारे टेस्ट कराते हैं और उस कराने के बाद पता चलता है कि इनको IBS है। और IBS का मेडिसिन से मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रीटमेंट है, क्योंकि अभी जितने भी पेशेंट हमारे पास आए उन सबका यही अनुमान था, उनका सबका यही कहना था कि हमने 2 महीने दवाइयाँ खाई, हमने 2 महीने मेडिसिन ली, हम उस डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा IBS है, आप परहेज करो, तला मत खाओ, ये पानी ज़्यादा पियो, ये सब परहेज बताया, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता, जैसे थे वैसे ही हैं। लेकिन जितने भी लोगों ने हमारे पास न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लिया आज वो सभी ठीक प्रकार से हैं। अगर आपको भी ये समस्या है तो आप भी न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।